ये पूर्वी अंदर गैस में क्यों घुस गई है? क्या हुआ पूर्वी? कुछ भी नहीं, रोड भी नहीं दिख रहा है आगे, मतलब 200 फीट का भी नहीं है इतना दिख रहा है, इतना तेज है। पार्टीशन नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, ऐसे ही चला रहे हैं। वेदर चेंज तुरंत ही, सिर्फ दो बार। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण एंड वेलकम बैक टू भोजन डायरीज। हाउ आर यू फ्रेंड्स? आई एम गुड, फाइन एंड हेल्दी। और बस आज भी वापस रेडी हो गए और पूर्वी भी रेडी है। क्या कहना है पूर्वी, गुड मॉर्निंग बोल दो। यस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। भोजन डायरीज में आप सबका स्वागत है और हमारा भी स्वागत है। हम सब जॉब पे जा रहे हैं। हाँ, सुबह सुबह उठ के यही काम है हमें। कुछ नहीं, सब रेडी हो गया, चाय नाश्ता। ओहो, चाय। सुबह सुबह उठ के चश्मा साफ करना पड़ता है। सही बात है। तो चाय नाश्ता बना दिया और बस सभी सब रेडी है, बस थोड़ी देर में निकलते हैं। इसको सपने में भी मग आया था, कल मग को वैसे ही साफ कर रही थी तो उसको सपने में भी मग ही मग दिख रहे हैं। भाई ये कैसा है? सेक देना। ओके ठीक है, तो फिर अभी थोड़ी देर में निकलते हैं और मिलते हैं फिर बाद में। क्या है और कुछ पूरा? अरे एकदम अंधारू छे, अंधारा में जवान हूँ, उजाड़ा में आवान हूँ। हाँ, आज भी देखते हैं आज मैं कितने जल्दी आता हूँ। लेट्स सी, तो फिर मिलते हैं। ओके बाय। बस हम सॉरी, गले में खींच आवाज, सुबह सुबह आवाज भी नहीं निकलती मेरी तो बस ये हम दोनों निकल गए और बहुत अंधेरा है, ऐसा लग रहा है वापस जाके सो जाए। सुबह सुबह तो हालत का एक बार वहाँ पहुँचते हैं फिर पता नहीं चलता टाइम का कुछ, फिर कोई बात नहीं, फिर फ्रेश हो जाते हैं तुरंत। पर जो ये घर से निकल के वहाँ तक पहुँचने का टाइम होता है ना, वो बहुत ख़राब होता है, वो बहुत नींद आती है। अभी तो जनक ड्राइव कर लेते हैं इसलिए अच्छा है, पहले तो वरना मुझे ड्राइव करते करते भी कभी कभी तो नींद आ जाती है। तो मतलब संभालना पड़ता है वो सुबह सुबह में। और बस देखिए अभी तो ये अंधेरा ही है, अभी अंधेरा शुरू, 8 महीने तक अंधेरा ही देखो वापस सुबह को। इसलिए सुबह निकलते टाइम भी क्या सूट करें हम, अंधेरा ही होता है, दिखेंगे ही नहीं वरना। ये देखो वापस, मैं तो दिखती है, सिर्फ मैं ही दिख रही हूँ बस। तो चलिए वापस थोड़ी देर बाद मिलेंगे, अभी जाके काम पे लगते हैं वापस। और आज तो जनक ने शर्ट पहना है, तो फीलिंग आती है ना। चलिए तो बाद में मिलते हैं, पार्किंग लॉट में आ गए, पार्क कर देते हैं और चलते हैं अंदर। कैसा रहा आपका दिन? बस अच्छा रहा, इतना हेक्टिक नहीं था। नहीं, इतना हेक्टिक नहीं था, अच्छा रहा। ओके। अब वर्षा मतलब 5-6 भी ओछी पड़े थे। तो कारण के अत्यार तो कसु देखा तो नहीं, इतना देखा तो नहीं था। कुछ भी नहीं, रोड भी नहीं दिख रहा है आगे, मतलब 200 फीट का भी नहीं है इतना दिख रहा, इतना तेज है। बस एजम्पशन पे गाड़ी चल रही है,
तो अभी ब्लॉगिंग बंद करता हूँ, बाकी देख रहा हूँ क्योंकि दोनों को रास्ता देखना पड़ेगा। तो सिग्नल पे खड़े थे तो अच्छा है, तो याद है। ये तो अच्छा है कि दिल्ली का रोड है इसलिए याद है, वरना हालत खराब, मैं चलाता होता तो हालत खराब हो जाती क्योंकि आगे रोड का डिवाइड वो भी नहीं पता चल रहा है एक्सटेंशन इसमें। पार्टीशन नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, मैं ऐसे ही चला रहा हूं। ये देखो सिग्नल पे जाना है, पर सब बुरा के जा रहे हैं संभाल के। आज तो हालत खराब कर रहे हैं। 5 मिनट में पानी भरेगा रोड पर, मतलब 5 मिनट में। ये देखो रोड पे पूरा पानी पानी कर दिया और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वाइपर, मैं तो वाइपर बढ़ा रही हूं। हां वाइपर ही नहीं, वो मतलब जो ज्यादा दिखाई नहीं रहा, नहीं ज्यादा का ज्यादा जो वाइपर देते हैं ना वो भी है, उससे ज्यादा करने का। हां वो देखो देखो कॉर्नर देखना, वो अबाउट करूं मेरे को आधा फटू के नहीं बस भी क्या माना पर ले तो राइट। ये देखो इस तरफ हम आते ही ये उजाला हो गया। ओ माय गॉड, पूरे क्या कहना है, वेदर चेंज तुरंत ही, सिर्फ दो वहां से जॉब से निकले, बारिश इतनी जबरदस्त थी, 5 मिनट में तो हाई स्पीड पे वाइपर रखा था और ये 2 मिनट में ये देखिए ये शुरू। ये देखो तड़का उजाला, एकदम उजाला, मतलब इधर तो मतलब कोई बोले तो समझ में भी नहीं आए कि बारिश में रहा है। आपकी राह देख रहे थे जैसे हाँ, जॉब से निकले मैं शुरू हो जाऊं। हाँ बस मेरी राह देख रहे थे। ओह माय गॉड, और सन देखो अभी आंखें खराब हो गई मेरी। हाँ, हम जैसे जैसे देख रहे थे देखने में। और अभी उजाला ही उजाला है। ओहो ऐसा एटमोस्फियर, इंस्टेंट चेंज, बस 2 माइल्स के अंदर इतना चेंज। तो क्या उधर ही बादल थे तो वो घुमा रहे थे ऐसा? इतना जल्दी तो इंसान भी नहीं पलटता। हाँ जितना ये जितना जल्दी क्या बादल पलट रहे हैं। हाँ एटमॉस्फेयर पलटने पलट मारे। ओ ग्रीन मगर। ए येलो। वेट। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ क्या करें, जैसे सिग्नल पे हम ही पहले आके खड़े हो जाते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ अभी क्या करें, हमारा नसीब कभी कभी ऐसा मिल जाता है। ऐसे ही 5 मिनट खराब हो जाएगी। तो कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। तो आज साथ में ही आ गए घर बस, और आज घर जाके सोच रही हूँ कुछ मस्त बना के खाए। हाँ मेरा फास्ट। हाँ यार आज तो जन्नत का फास्ट है। पोपट हो गया, पोपट। कोई नहीं, जल्दी जल्दी बना के जल्दी जल्दी खा लेंगे। पता नहीं मुझे भी कुछ भूख जैसी लगी है अभी। कहीं नहीं बोलो, जाम फर्नेशन घर है तो मैं फराड़ी खा लेती हूं। चाय बनाइए। चाय बना भी। हां यार चाय पीते हैं और बस। बहुत दिन से मैंने चाय भी नहीं पी है ना, शायद संडे को लास्ट पी होगी आफ्टरनून में, तो छुट्टी के दिन ये, उसके बाद नहीं पी। चलो कोई नहीं, अभी घर जाके मिलते हैं। इस एटमॉस्फेयर ने तो हमारा पोपट कर दिया, और ना ऐसे तो ही मैं तो सो जाऊंगी। एक बार सिग्नल पे ऐसे ही सो गई थी। और मैंने जगा दिया था। चलो बाय। तो बस हम घर आ गए और मस्त गर्मा गर्म चाय बना के रख दी है, अभी नाश्ता करेंगे साथ में आज। तो ये देखिए जनक तो आराम से हाँ विराजमान हो गए हैं, और हमने आके रखा ये रहा तुवेर का साग बनाया आज, तुवेर बैंगन और टमाटा। तो पहले आके बस वही कर दिया, लॉन्ड्री भी करनी थी आज, तो लॉन्ड्री में कपड़े रख दिए और साग रख दिया एक तरफ। अब आराम से चाय नाश्ता करेंगे। तो क्या है, फिर शांति से रोटी बनाते रहेंगे। अभी ये कर दिया है तो टाइम रहेगा हमारे पास, तो अभी बस थोड़ा सा अब बैठ के थोड़ा आराम कर लेते हैं। और जनक का फास्ट है तो वो फराड़ी करेंगे। हाँ ब्रो फैन ले आ, तो गर्मी लग रही है अभी थोड़ी। तो बस मैंने भी बाल धोने थे, आके पहले बाल धो लिए, तो बस बैठी हुई हूँ, फैन लेके आ गए। यहाँ पे एसी तो चालू ही है, सेंट्रल एसी, पर थोड़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है इसलिए ये फैन भी रखा हुआ है ऐसा हमने, कि कभी कभी ज़रूरत पड़ जाए तो यूज़ कर सकते हैं। बस तो आज तुवेर के साग के साथ मैं कुछ
दही भी वगरने वाली हूँ ना, इसलिए देखिए मैंने दही भी निकाल के रख दिया है अभी से, ताकि वो भी रूम टेम्परेचर पे सेट हो जाए। और यहाँ का दही बहुत मस्त आता है, मस्त एकदम, उसका टेस्ट एकदम अलग ही आता है ना जनक? इंडिया के दही से अलग ही टेस्ट होता है ना यहाँ का, बहुत खट्टा तो बिल्कुल भी नहीं होता। और हाँ, और टेस्ट एकदम अलग आता है, पता नहीं, मस्त से क्रीमी क्रीमी जैसा होता है दही। आप ऐसे भी चम्मच से खा सकते हो। हाँ चलो, हाँ बना दे, चल एक दिन छुट्टी के दिन, क्योंकि तुवेर यहाँ पे है ना छोलने की चीज़ें होती नहीं है, पैकेट ही फ्रोजन ही आता है सब, तो हम हाँ पैकेट ले आते हैं, तुवेर होता है, फिर मटर वो सब के पैकेट, पापड़ी भी मिलती है फ्रोजन, तो वो सब हाँ फ्रोजन पैकेट लाके फ्रिज में फ्रोजन में रख देते हैं, तो फिर जब बनाना हो तब प्रॉब्लम नहीं। तुवेर तो ऐसे भी मैंने देखा भी नहीं कभी ऐसे, मतलब वो छिलने वाली छोतरे के साथ तो। और सरगवा की सिंग लाए थे पर वो ऑलमोस्ट ख़त्म जैसी हो गई, सिर्फ दो ही पीस बचे हुए तो रखी है, तो कभी सांभर बनाए तो उसमें डालना पड़े, इसलिए रखा है, देखते हैं नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो वो भी ले आएंगे। तो लिस्ट बना के रखना पड़ता है, क्योंकि जब जाते हैं ना लेने के लिए तभी याद नहीं आता है कुछ चीज़ें, तो फिर गरज के ओ नो भूल गए ऐसा हो जाता है फिर। तो देखते हैं, कल भी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी दूध का जो कैन लाते हैं हम वो भी 15 दिन का जैसा होता है, तो महीने में 2 बार जाना पड़ता है वो भी लेने के लिए। देखते हैं कल, है ना, जॉब से डायरेक्ट ही निकल जाएंगे, ऐसा कुछ करते हैं हम, है ना, कपड़े ले जाएंगे। और आपके तो ऐसे फ्री होते हैं ना? मेरे तो फ्री है। मुझे हाँ, मुझे कपड़े लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी यूनिफॉर्म में तो नहीं जा सकती ना, इसलिए देखते हैं बस। और जनक तो कुछ काम पर लग गए हैं लैपटॉप चालू करके, पता नहीं तो बस, हाँ उनके तो बहुत काम चलते हैं भाई, तो बस चलो चाय नाश्ता कर लेते हैं पहले, है ना, चलो वरना चाय ऐसे ठंडी हो जाएगी, और एक तरफ साग भी हो रहा है, तो बाद में रोटी बनाते हैं, तब मिलते हैं वापस आपसे। फ्रेंड्स, मेरा काम हो गया और अभी देखता हूँ पूर्वी क्या कर रही है, उसको बोलता हूँ, मिलते हैं चलो उससे। ये पूर्वी अंदर गैस में क्यों घुस गई है, क्या हुआ पूर्वी? गैस में घुस गए हो? गैस में नहीं घुसी हूँ। तो मैं ये मग सेक रही हूँ। अच्छा, क्यों, इसका रीजन? वो कल ऐसे वो देखा था ना मैंने, वो दो दिन ऐसे मग में काने थे, हाँ, तो बस इसलिए मैंने सोचा चलो पहले थोड़ा सेक लूँ ऐसे, अभी सेक के थोड़ा भर देती हूँ, तो वो ऐसा कुछ हो ना कुछ हो तो अभी दिख जाए, निकल जाए, हो जाए, हाँ, इसलिए ज्यादा बिगड़े ना, अदरवाइज पूरा ये पैकेट खराब हो जाएगा एक। चलो ठीक है, ऐसा तो दिख नहीं रहा है कुछ। ओके, ये देखो, हाँ हाँ, बाद में रोटी बनाती हूँ। ओके चलो, रोटी सब बाद में बना दे है, पर मुझे थोड़ा अभी एडिटिंग का भी काम है, तो हम ब्लॉग यही पे एंड करते हैं। व्हाट टू से, हाँ बस चलो ब्लॉग अभी खत्म करते हैं इधर, और कल वापस मिलते हैं। खत्म नहीं, एंड करते हैं। हाँ सॉरी, हाँ एंड करते हैं और कल वापस मिलते हैं। मिलते हैं, और यस, मैं अपना ये काम खत्म कर लेती हूँ। हाँ, क्योंकि इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, तो ये करके फिर रोटी बना। आज मैं सुबह से मेरी आंखें फाड़ रही हूँ, क्योंकि हाँ, देखो अभी जॉब से निकले तब भी, हाँ, बस बस, हाँ, जनक मुझे बोल रहे हैं बहुत बहुत हुआ, ब्लॉग बनाना है, पिक्चर थोड़ी बनाना है। हाँ, पिक्चर नहीं बनाना, तो थोड़ा बस थोड़ी कल के लिए भी बातें रखो, है ना, तो बस कल मिलते हैं फिर इसी समय पे, और एंजॉय कीजिए लाइफ को, कुछ मस्त खाते पीते रहो हमारी तरह, जो भी मिले अच्छे से मस्त लाइफ जियो। ओके, हाँ बस यही बोल रहे थे। हाँ, और बस, तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अगर ना किया हो तो अभी जाके वो रेड बटन को दबा दीजिए, और बेल बटन होता है बाजू में उसको भी दबा दो। बाय, टेक केयर, एंजॉय।